जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे परिवार में, हमारे घर में और हमारी ऑफिस में या हमारे कोई भी वर्किंग प्लेस पर नकारात्मक ऊर्जा कभी ना आए और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवाह रहे, तो देखेंगे आप कि आपके घर में शांति, व्यापार में बढ़ोतरी और आपके ऑफिस में एकदम कार्य की वर्किंग एफिशिएंसी, जो कार्य क्षमता जिसको हम कहते हैं, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी हो जाएगी। एकमात्र उपाय करने से ये आपके घर और ऑफिस में दोनों ही जगह और एक सकारात्मक ऊर्जा का पुंज आपके घर में और आपके ऑफिस में प्रवेश करता है। ये नकारात्मक ऊर्जा आती कहाँ से, पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, वैसे तो कलयुग में जो हमारे गुरुदेव कहते थे उसमें काफ़ी सत्यता आपको, हमको सबको प्रतीत होती है। वो क्या सत्यता है और गुरुदेव का वचन क्या है कि कलयुग में लोग अपने दुखों से कम दुखी हैं। दूसरों के सुखों को देख करके जो लोग दुखी होते हैं उनकी संख्या कितनी है अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब आपका काम भगवान की कृपा से सुचारू रूप से चल रहा होता है, बड़े खुशियों के माहौल होते हैं, वहाँ पर आने वाले सैकड़ों, हजारों या दसवीं जो भी आपके पास आते हैं काम के हिसाब से या मिलने जुलने के उद्देश्य से, कुछ लोगों की आत्मीयता होती है, अरे वाह, हमारे मित्र ने, हमारे भाई ने या हमारे परिवार के सदस्य ने या हमारे मिलने वाले ने कितना अच्छा काम किया है, एक हृदय से उमंग उत्पन्न होती है। वो उमंग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। कुछ लोगों की मानसिक प्रवृत्ति कलयुग के गुणों के प्रभाव के अनुसार, बाहर से वो प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं लेकिन अंदर से उनके मन में कुछ कलुषितता या प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या जो भी उत्पन्न होती है, उससे एक नकारात्मक ऊर्जा का पुंज हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे गोदाम, हमारे व्यापार केंद्रों में एक अंधकार का भवंडर बन करके और धीरे 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 अंधकार का भवंडर बन करके हमारे कार्य को प्रभावित करने लगता है। हमें लगता है अचानक हमारा काम सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सुख चैन, अमन चैन था, लेकिन ये अचानक क्या हुआ? ध्यान रहे, ये नकारात्मक ऊर्जा आने वाले व्यक्तियों को, जाने वाले व्यक्तियों से और अपने आप से भी उत्पन्न हो सकती है। इसे हम बोलते हैं स्वयं दृष्टि दोष। इस स्वयं दृष्टि दोष के बारे में बहुत बृहद पूर्वक आपको बताऊंगा और उसका समूल एक समाधान करेंगे। प्राय करके अधिकांशतः जनरली आपने देखा होगा कि जब किसी के मन में खुशी की बाहर आती है कि चलो प्रभु की कृपा से अब यह हमारा कायन लाइनअप हो रहा है, हमारा काम एक सुधर रहा है, हम काम की प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, अचानक देखते हैं कि कोई एक मोड़ आता है, वो मोड़ हमें वापस खींचने लगता है। ये कोई भूत प्रेत आदि आत्माओं की कहानी नहीं है जो आप डर रहे हों, ये सब एक सकारात्मक ऊर्जा की कमी और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाना, ये सब कारण होते हैं। इसे इवल आई नज़र भी कह सकते हैं और हाय बलाय भी कह सकते हैं। आओ तो उसे बचने का एकमात्र ऐसा छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ जो आप देखेंगे कि गागर में सागर, कितना अच्छा और कितना घरेलू चीज़, जिसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं होना, ज़्यादातर बाज़ार से कोई सामान लाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ घर में होने वाली चीज़ों से ही हम आपको एक ऐसा साधारण, ऐसा चमत्कारी, एक दिव्य उपाय बता देते हैं जिससे आपको करके लगेगा और ये करके देखिएगा, मैं प्रमाणिकता से कहता हूँ कि आपको बहुत फायदा होगा। अब आप उपाय ध्यान से सुने। एक कांच का गिलास, जो प्लेन हो, उसमें किसी प्रकार का रंग रोगन यानी डिजाइन बनाया ना हो और ना ही किसी प्रकार की उसमें कोई कलाकृति हो, प्लेन कांच का गिलास, उसमें एक नींबू आप डाल दें। हरे रंग का नींबू अगर मिल जाए
उसको हम ज़्यादा प्रभावी मानते हैं, अथवा जो भी घर में आपके नींबू आता है उस नींबू को धोएं और गिलास में नींबू डाल करके पूरा उस गिलास को पानी से भर दें। उसमें दो हरी मिर्ची डंडी सहित भी डाल दें और देखेंगे उसको, उस पानी के गिलास को या तो मंदिर में रख दें खुला हुआ, ढकना नहीं, ध्यान रहे ढकना नहीं, या अपने मास्टर बेडरूम में या ऐसे स्थान पर जो प्राय करके आने वाले व्यक्तियों को दिखाई ना पड़े, क्योंकि लोग टोका टोकी ज़्यादा करते हैं और टोका टोकी से हमारे जो प्रभाव हैं ये थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों का है कि योग जुगत और मंत्र प्रभाहु फले जबई जब करें दुराहु। ये योग, योग करना, साधना, जुगत अपनी युक्ति, मंत्र का प्रभाव और नाना प्रकार के इस प्रकार के जो हमारे ऊर्जा को बैलेंस करने वाली चीज़ें, ये जितनी गोपनीय रखी जा सकें इन गोपनीय रखने का प्रयत्न करें, क्यों गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। तो उससे क्या होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, लोग देखें लेकिन आपको पता नहीं किस दृष्टि से देखेंगे। उस गिलास में पानी भर दें, नींबू भर के रख दें और देखेंगे कि आपके घर में कितनी अमन चैन सुख समृद्धि आने लगती है। ध्यान रहे ये क्रिया केवल मात्र एक बार करने से नहीं होगी, ये हर हफ्ते उस नींबू को और पानी को बाहर गार्बेज में डाल दें जो आपके कचरे का ढेर है, या पानी को वाष्पेशन सिंक आदि में बहा दें और उसको पुनः साफ करके भीम आदि पाउडर से और उसमें फ्रेश जल भर के हर हफ्ते पुनः ताज़ा रख दें। वो नींबू अपने आप गलेगा तो जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वो अपने आप छटने लगेगा, कम होने लगेगा। घर में भी रखें, ऑफिस में भी रखें, अपने जहाँ पर कारोबार के गोदाम में वहाँ पर भी रखें, सब जगह इसका प्रभाव अत्यंत ही शक्तिशाली, ऐसा प्रभावशाली देखा गया है कि आप बस करो और उस हाथ करो उस हाथ पाओ। ये बड़ा दिव्य अचूक क्रिया है, इसे अवश्य करें और घर में सुख समृद्धि को प्राप्त करें। नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें, सकारात्मक ऊर्जा का पुंज अपने घर में बढ़ाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।